सोशल एंग्जाइटी डिसऑर्डर एक केस स्टडी, इसके बारे में आज बातचीत करते हैं। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळेकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूं। महाराष्ट्र में मुंबई, पुणे, अकोला यहां प्रैक्टिस करता हूं। सोशल एंग्जाइटी डिसऑर्डर, सोशल फोबिया एक बीमारी है। आज ही सुबह सुबह एक फोन आया, एक लेडी बातचीत कर रही थी, अप्रोक्सीमेटली 25-26 साल की उम्र, और उसने कहा कि उसको काफी सारा डर लगता है लोगों में जाने का, लोगों में मिलने का, लोगों के साथ में बातचीत करने का बहुत ज्यादा डर लगता है। इतना इतना ज्यादा डर लगता है कि कोई लोग नए दिखे उसको, कि नए लोग दिखे कि वो उनको टाल देंगी, वापस आ जाएंगी, कुछ तो भी बहाना बना देगी। सीने में धड़कन, हाथ थरथरना, घबराहट, बेचैनी ऐसी हो जाती कि उसको लगता कि वहां से भाग जाऊं। और ये स्पेशली सोशल सिचुएशन में होता है, मतलब घर के बाहर ही जो नए लोग रहते हैं उनके साथ में ये ज्यादा होता है। होता क्या है कि ज्यादातर ये लोगों को ऐसा लगता है कि भाई मैं जब कुछ खा रहा हूं या कुछ पी रहा हूं तो लोग मुझे ऑब्जर्व कर रहे हैं, वो अच्छा दिखेंगे नहीं, वह कुछ लोग मुझे अपमानित कर देंगे मुझे देख के या मेरा हाव भाव देख के, या उनको लगता है कि उनको शर्मनाक लगता है लोगों के सामने, या वो संकोच आता है, लोग मेरे को नकार देंगे, मतलब सब उनके दिमाग में लोगों के बारे में रहता है, सब पूरा लोग क्या कहेंगे। और लोगों के संपर्क में जब आते हैं, लोगों के साथ में रहते हैं, तो वो बिल्कुल कंफर्टेबल रहते नहीं है, बहुत ही बेचैन रहते हैं, और इसके कारण फिर लोगों में मिलना जुलना नहीं, फिर उनका सामाजिक मतलब सोशल कॉन्टैक्ट जो है वो कम हो जाते, उनका व्यवहार लोगों के साथ में कम हो जाता, उनके पारिवारिक संबंध जो है बिगड़ जाते हैं, और कोई इंटरव्यू देने का तो इंटरव्यू जा सकते नहीं, बातचीत नहीं कर सकते हो, कोई भाषण देना है तो वो जा सकते हैं, उनको मालूम है कि अपन कर सकते हैं मगर भाषण देना उनके लिए नामुमकिन हो जाता है। तो फिर वो मतलब कहीं भाषण नहीं, नए लोग नहीं, एग्जाम नहीं, कुछ भी नहीं, तो घर के बाहर भी निकलना और लोगों से मिलना उनके लिए बहुत कठिन काम हो जाता। लोग फोन पे बातचीत नहीं कर सकते, मतलब उनको ऐसा लगता है कि लोग अपने को जज एंड इवेल्युएट कर रहे बार 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 बार, तो लोगों के सामने वो खाना भी नहीं खा सकते। तो लेडी बोले मुझे इतना इतना शर्मनाक लगता है लोगों के सामने, लोग मेरा अपमान करने ऐसा लगता है, या फिर मैं लोगों का कुछ अपमान कर दूंगी ऐसा लगता है, तो उससे अच्छा बेस यह है कि मैं टाल देती हूँ, लोगों में जाना नहीं, आना नहीं, टाल देना, घर में रहना। बहुत ही सेंसिटिव, थोड़ा सा आ गया किसने कुछ बोल दिया, थोड़ा सा दिमाग में आ गया तो चिढ़ जाएंगी, और चिढ़ना भी है तो बाहर चिढ़ेंगी नहीं क्योंकि वो डर लगता है बाहर लोगों के साथ में, घर में चिढ़ेंगी बहुत चिड़चिड़ापन, और नहीं तो फिर एकदम रोना, एकदम आंखों में पानी आ जाना, और किसी ने कुछ बोल दिया तो ऐसा लगता है उसको कि भाई लोग मुझे मैंने टॉन्ट मारते हैं, लोग मुझे मेरे ऊपर कमेंट करते हैं, लोगों को मेरा कुछ भी अच्छा नहीं लगता ऐसा उसको लगता है, और फिर उसका जीना जो है वो रोज मुश्किल हो जाता है। तो ये सोशल फोबिया और सोशल एंग्जाइटी डिसऑर्डर, उसको मैंने बताया कि देखिए अभी आपका जीवन तो ऐसा बहुत कंस्ट्रेन हो गया, बहुत लिमिटेड हो गया, अभी आपको देखना पड़ेगा ये शुरुआत कैसी हुई, कहाँ से तभी शुरुआत हुई है, बचपन में तो ऐसी नहीं थी आप, बचपन में क्या हुआ। देखो बातचीत करने करते मालूम पड़ा कि बचपन में उसको 5वीं क्लास में जब थी तो 5वीं क्लास में उसको खड़ा कर दिया और उसको उसके टीचर ने, उसने सवाल पूछा था कुछ, उसने जवाब दिया नहीं तो उसने बोला कि तू शंड है, ऐसा एकदम गुस्सा करके बोला शंड है, शंड इसका मतलब तू कुछ आता नहीं है, तेरे को कुछ काम के नहीं है, मतलब ऐसा उसका मतलब होता है। तो उसको इतना लग गया और उसको वहीं कपड़े गीले हो गए, यूरिन हो गई, लोगों को मालूम नहीं पड़ा मगर उसको मालूम था कि अपने इतनी डर गई वो, और वहां से फिर कोई भी व्यक्ति दिखा, कोई लोग आ गए कि बस चलो, तब से उसका घबराहट चालू हुई। तो मैंने भाभी अभी आपको हिप्नोथेरेपी करनी पड़ेगी, हिप्नोथेरेपी में विजुअलाइजेशन हम करेंगे, इमेजिनेशन करेंगे, वो पूरा सीन जो है वो सीन पूरा हम सामने लाएंगे और आपको डिसेंसिटाइजेशन कर लेंगे, और डिसेंसिटाइजेशन करके अभी आप वो सिचुएशन को कैसे फेस कर सकती है उसके लिए बार बार हम आपको सेशंस देंगे। तो बोले ठीक है, हरकत नहीं। और मैंने बोला अभी बहुत ही बाहर जाना आना आप रोक देती है, तो ऐसा करो बाहर जाने आना है उसके पहले मैं आपको देता हूँ दवाइयाँ, वो खा लो ताकि कम से कम आपका जो बाहर जाना बंद हो गया है और वो डर लगता है तो वो शुरू करो पहले, क्योंकि वो फिर ज़्यादा विशेष साइकिल है ना उसमें चले जाते हैं कि डर लगता करके बाहर जाते नहीं करके डर लगता है, मतलब वो पहले चालू करो, वो तोड़ो साइकिल। और तो भाई उसको मैंने गोलियां दिया SOS लेने के लिए, आप गोली लाओ, गोली खाओ, गोली के बाद में बाहर जाने का है। और फिर साइकोथेरेपी इसमें काम में आती है, काफ़ी अच्छी रिजल्ट साइकोथेरेपी के हैं,
मेडिटेशन करने के लिए उसको मैंने बोला खान पान ठीक करना, सोना ठीक है, और जो भी कुछ हो गया है वो पास्ट में हुआ है, उसका आज कुछ भी संबंध नहीं है, मगर आपके ब्रेन पैटर्न्स वैसे सेंसिटिव बन गए, तो वो ब्रेन पैटर्न को अभी रीप्रोग्राम करने का है, रीप्रोग्रामिंग द माइंड बाय हिप्नोथेरेपी, वो उसको मैं भी सिखाऊंगा और वो ठीक हो जाएगी। तो उसने मेरे साथ में ठीक है बातचीत करके हमने वो एक तय किया प्रोग्राम, और वो प्रोग्राम तय करके अभी हम सम्मोहन चालू करेंगे, एक 2 या 4 महीने में उनको फर्क आ जाएगा। जैसे काफी लोग हैं, 2 से 3% लोग ऐसे हैं कि जिनको ये सोशल फोबिया कभी कभी उनकी लाइफ में हो जाता है और उनका जीवन जीना मुश्किल हो जाता है, तो ये लोग बाहर आते भी नहीं, वो साइकियाट्रिस्ट की तरफ आते नहीं है, उनको लगता है कि अपन पागल थोड़ी हुए है। तो ये लोगों को शेयर करो ताकि उनको एक रेंज है ना इसकी, कि लोगों को इतना सोशल फोबिया है कि बहुत ज्यादा कि एकदम घर में अटक गए, और कुछ लोगों को थोड़ा बहुत है, तो ये रेंज में लोग है, तो आप ज्यादा से लोगों को ये शेयर करो ताकि लोग इसका फायदा लेंगे, अपने अपने साइकियाट्रिस्ट को कंसल्ट करेंगे, अपने जीवन में अच्छे हो जाएंगे, जीवन अच्छा जी सकेंगे। इसके बारे में आपको कुछ सवाल होंगे तो आप नीचे दिए नंबर के ऊपर हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मैं आपको अपॉइंटमेंट दूंगा, ऑनलाइन कंसल्टेशन करूंगा आपके साथ में, और आपका स्पेसिफिक प्रॉब्लम जो है वो मैं सॉल्व करूंगा। मेरा ऑनलाइन ऐप भी है, आप प्ले स्टोर पर जाके आप ऐप डाउनलोड करो, उसमें फ्री चैटिंग उपलब्ध है, आप मेरे से फ्री चैट कर सकते हैं और अपने प्रॉब्लम्स छुड़वा सकते हैं। तो ये वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।